सुपरस्टार अक्षय कुमार आज तक कई हिट फिल्में दे चुके हैं, पर आज हम उनके कुछ ऐसे फिल्मों के बारे में बताएंगे जो कभी भी रिलीज नहीं हुई। परिणाम। इस फिल्म में अक्षय के साथ एक्ट्रेस दिव्या भारती थी, लेकिन फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले ही दिव्या भारती की मौत हो गई और ये फिल्म कभी नहीं बन पाई। सितारों से आगे। मनीषा कोइराला के साथ फिल्माई गई इस फिल्म को अज्ञात कारणों के वजह से बंद कर दिया गया। जिगरबाज। ये फिल्म आज तक रिलीज नहीं हो पाई। इस फिल्म में अक्षय के साथ जैकी श्रॉफ, मनीषा कोइराला और ममता कुलकर्णी नजर आने वाले थे। पूरब की लैला, पश्चिम की छैला। इस फिल्म में अक्षय कुमार और नम्रता शिरोडकर थे। ये फिल्म पूरी बन गई थी लेकिन कभी रिलीज नहीं हुई। मुलाकात। यह फिल्म अपने शूट के कुछ दिनों बाद ही रुक गई थी। इस फिल्म में अक्षय कुमार, रानी मुखर्जी और चंद्रचूर सिंह काम कर रहे थे। खिलाड़ी वर्सेस खिलाड़ी। ये फिल्म बंद हो गई और किसी को इसका कारण पता नहीं। राहगीर। ये फिल्म देवानंद की फिल्म गाइड का रीमेक होने वाली थी। फिल्म में अक्षय कुमार और विद्या बालन लीड रोल में थे। खबर थी कि देवानंद ने कभी भी इस फिल्म का रीमेक बनाने की अनुमति इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स को नहीं दी। सामना। इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ अजय देवगन, नाना पाटेकर, रितेश देशमुख, उर्मिला मातोंडकर और महिमा चौधरी थे। ये फिल्म विवादित विषय पर आधारित थी, शायद इसी वजह से यह बंद हो गई। आसमान। यह फिल्म ब्लू का सिक्वेल होने वाली थी, पर फिल्म का ऐलान होने के बाद ये फिल्म कभी नहीं बनी। इस फिल्म में पुराने स्टार्स यानी लारा दत्ता, संजय दत्त, कैटरीना कैफ और जायद खान के साथ जॉन अब्राहम, नेहा ओबेरॉय, सोनल चौहान भी काम करने वाले थे। चांद भाई। इस फिल्म में अक्षय और विद्या बालन काम करने वाले थे, लेकिन ये फिल्म कभी नहीं बनी।